हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शा ब्यूटी एंड हेल्थ ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपके साथ ब्यूटी से रिलेटेड या तो हेल्थ से रिलेटेड DIY शेयर करती हूँ। आई होप ऑल आर यू फाइन। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एकदम से बहुत ही स्पेशल वाली DIY, या तो आप इसको DIY भी कह सकते हो या तो आप इसको रेसिपी भी कह सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं आज आप सबके लिए, जो भी आज ये माहौल है, जिस तरह का पैंडेमिक मोमेंट चल रहा है फ्रेंड्स, जो भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसी को मैंने अपने ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुत ही अच्छा और एकदम से आप सबको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, हम सबको भी ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। हमारी इम्यूनिटी जितनी बूस्ट रहेगी फ्रेंड्स, इतना ही हम हेल्थी रहेंगे और हमें इस तरह के कोई भी कोरोना से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे फ्रेंड्स, इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए एक काढ़ा लेकर आई हूँ, जो कि आप आराम से अपने किचन में ही रहने वाली चंद चीज़ों से और कुछ इस तरह के चूर्ण से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो और एकदम से हेल्थी और फिट रह सकते हो फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं आज आप सबके लिए फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा वाला काढ़ा लेकर आई हूँ। आप इसको अपने घर पर बनाइए और ये बारिश के मौसम में आप अपनी फैमिली के और अपने बच्चों के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपकी हेल्थ भी इसे बहुत ही अच्छी रहेगी फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि हम ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़ा किस तरह से तैयार कर सकते हैं। या तो आप इसको काढ़ा भी कह सकते हो या तो आप इसको इम्यूनिटी बूस्ट ड्रिंक भी कह सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कप हम वाटर लेंगे फ्रेंड्स, पानी 1 कप हम ले लेंगे। ये मैं बस 3 आदमी के लिए, 3 मेंबर्स के लिए मैं ये काढ़ा बता रही हूँ। आप अगर इसको बढ़ाना चाहते हो तो इन सब की क्वांटिटी को भी आप बढ़ा लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप मैं वाटर लूँगी, तो ये मैंने यहाँ पर 1 कप वाटर रखा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम लेंगे यहाँ पर, ये मैंने थोड़ी सी अदरक को काट कर बारीक बारीक पीसेस में रख लिया है, इसको वॉश करके, और इसके छिलके को भी मैंने क्लीन नहीं किया है फ्रेंड्स। हम इसके छिलके को भी इसी तरह से रख कर हम इसको इस्तेमाल में लेंगे। ये है जिंजर फ्रेंड्स, मैंने इसको 2 इंचेस की जिंजर मैंने लेकर इसको बारीक से कट कर ली है फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम यहाँ पर लेंगे काली मिर्च, ये काली मिर्च मैंने ली है 10 से 11 काली मिर्च मैंने ली है फ्रेंड्स। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ली है ये थोड़ी सी हल्दी, ये साबुत हल्दी मैंने ली है। अगर आपके पास साबुत हल्दी ना हो तो आप इसकी जगह में 2 या 3 पिंच हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मैंने ये 1 इंच उतनी हल्दी ले ली है, आप चाहो तो इसमें कच्ची हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 इंचेस इतना ये पट्टा लिया है, कर्डमम लिया है फ्रेंड्स। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 हरी इलायची लिए हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने 2 हरी इलायची ले लिए हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं ये लौंग, ये लौंग मैंने लिए हैं फ्रेंड्स, ये भी मैंने 3 अदद ली है, 3 सारी लौंग मैंने ली है। और इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर या आपको कुछ काले काले दाने नज़र आ रहे होंगे, ये है कलौंजी फ्रेंड्स, इसको ब्लैक सीड्स भी कहते हैं और इसको हिंदी में और उर्दू में कलौंजी कहते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सबकी आज की जिस तरह की पैंडेमिक लाइफ है, इसमें हमें कलौंजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये ब्लैक सीड्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कलौंजी है फ्रेंड्स। ये कलौंजी भी हम 2 पिंच लेंगे फ्रेंड्स, इसका मिजाज बहुत ही गर्म रहता है, इसलिए हमें इसको थोड़ा कम ही इस्तेमाल में लाना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये मैंने कलौंजी 2 पिंच ले ली है, आप इसको डेली रूटीन में लीजिएगा, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है और जिस तरह का ये वेदर भी चेंज हो रहा है, इसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिए है ये चाय की पत्ती, 1 टेबल स्पून मैंने ये चाय की पत्ती ली है। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिया है ये हनी,
ये मैंने शहद लिया है, ये 2 टेबल स्पून मैंने शहद लिया है फ्रेंड्स। अगर आप चाहो तो शहद की जगह में आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप थोड़ी सी शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा ओपिनियन यही होगा कि फ्रेंड्स अगर आप इस काढ़े में शहद इस्तेमाल करेंगे तो वो बेटर रहेगा फ्रेंड्स। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये कुछ पाउडर लिया है, ये चूरन है फ्रेंड्स। ये मैंने 3 तरह के चूरन को मिलाकर एक पाउडर, एक चूरन बना लिया है। इसको इक्वल क्वांटिटी में लेकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। तो चलिए वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो ये है सबसे पहले फ्रेंड्स, ये है गुड़ुची। इसको इस आयुर्वेदिक लैंग्वेज में इसको गुड़ुची कहते हैं और कन्नड़ में इसको अमृता बेल्ली कहते हैं फ्रेंड्स। आप इसको आराम से किसी भी इस आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप में आप इसको परचेस कर सकते हो, आयुर्वेदिक शॉप में तो ये मिल जाएगी आराम से। तो मैंने यहाँ पर गुड़ुची का चूरन ले लिया था और इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अश्वगंधा, ये हमारी इम्यूनिटी को एकदम से बूस्ट करता है फ्रेंड्स और हमें क्रॉनिक फीवर से अवेट करता है, हमारे बॉडी को एकदम से इम्यूनिटी बूस्ट कर रखता है फ्रेंड्स। तो ये है अश्वगंधा चूरन, तो मैंने इसको भी ले लिया था। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिया था ये तुलसी चूरन। ये तुलसी तो आप सबको पता ही होगी, अगर आपके पास इस तरह का चूरन ना हो तो आप इसके पत्तियों को भी डायरेक्ट प्लांट से तोड़कर आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर ये तुलसी चूरन लिया है, ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और इसमें एकदम से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और हमें किसी भी तरह का फीवर होने नहीं देती और ये हमारी बॉडी पर एकदम से एंटीबायोटिक का काम करती है फ्रेंड्स। तो ये भी हम ले लेंगे। इन तीनों को ही मैंने, तुलसी चूरन और मैंने अश्वगंधा चूरन और ये गुड़ुची चूरन को लेकर अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसकी क्वांटिटी हमें, अगर हम इसको 50 ग्राम्स ले रहे हैं तो हम बाकी के गुड़ुची, अमृता बेल्ली और तुलसी तीनों को भी हम इक्वल क्वांटिटी में लेंगे और मिक्स कर इस तरह से बनाकर रख लेंगे फ्रेंड्स। अगर आप मेरी इस वीडियो को देखना चाहते हो कि मैंने गुड़ुची और अश्वगंधा का डिटेल्स में वीडियो बनाया है कि उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप उसको देखना चाहो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक शेयर कर दूंगी उसकी, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बनाएंगे एकदम से इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला हमारा एक हेल्दी ड्रिंक फ्रेंड्स, या तो आप इसको काढ़ा भी कह सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले यहाँ पर एक पैन रख लेंगे जिसमें हम काढ़ा बनाना चाहते हैं उसको, और उसमें हम ये हमारा वाटर जो भी हमने लिया था उसको ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। ये 1.5 कप मैं ले रही हूँ, मग ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो हम ये ले लेंगे और इसमें ये जो भी हमने लिया था कलौंजी, ब्लैक सीड्स और ये हमने जो भी लिए थे इलायची और लौंग को और पट्टे को, हम इन सबको इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम डालेंगे यहाँ पर ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर और हल्दी को। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम ये लेंगे हमारी अदरक को, कटी हुई अदरक को। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम डालेंगे इसमें ये हमारा चाय की पत्ती, बस हमें चाय की पत्ती थोड़ी सी ही लेनी चाहिए होगी फ्रेंड्स, हम ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अभी हम ये हमारे तीनों चूरन का पाउडर जो भी हमने मिक्स कर रखा था, अश्वगंधा, तुलसी और गुड़ुची का, हम इन तीनों चूरन को 1 टेबल स्पून लेंगे फ्रेंड्स। बस हम 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे, ये तीनों ही हमारी इम्यूनिटी को एकदम से बूस्ट करते हैं फ्रेंड्स और हमें क्रॉनिक फीवर्स और जो भी वेदर की चेंजेस की वजह से जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उन सबको अवॉइड करेगा फ्रेंड्स। और उसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर ये हमारा शहद, हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और हमें इसको अच्छे से पकाना है फ्रेंड्स, हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना बन जाए। अब हमें इससे टाइम लगेगा कि हम इसको 10 से 15 मिनट तक हम इसको फुल आंच में अच्छे से बॉईल करेंगे फ्रेंड्स। तो
सो फ्रेंड्स, अभी आप ये देख सकते हो कि ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। अभी मुझे ये 10 मिनट्स हो चुके हैं इसे बॉईल करते हुए। मैं और एक 5 या 10 मिनट्स के लिए इसे और भी अच्छे से बॉईल करूंगी। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो ये अच्छे से बॉईल हो रहा है फ्रेंड्स। तो फिर मैं इसको अच्छे से अभी एक 5 या 8 मिनट्स के लिए इसको बॉईल करने के बाद मैं इसको स्ट्रेन कर आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी आप ये देख सकते हो ये हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। तो अभी हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये पीने में थोड़ा सा कड़वापन होगा इसमें, क्योंकि इसमें हमने अदरक ऐड की है और हमने इसमें थोड़े से चूरन ऐड किए हैं फ्रेंड्स। इसकी वजह से ये थोड़ा सा कड़वापन देगा हमको। तो हमें कड़वेपन को नज़रअंदाज करते हुए हमें इसे गटक से पी जाना है फ्रेंड्स। हम इसको थोड़ा गुनगुना ही लेंगे फ्रेंड्स। अगर हम इसको ठंडा लेंगे तो ये इतना काम नहीं करेगा। हम इसको गर्मा गर्म ही पी लेंगे फ्रेंड्स। तो ये है हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला काढ़ा या तो इम्यूनिटी बूस्ट ड्रिंक फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये बता दूं, ये आप देख रहे होंगे ये है गुडुची फ्रेंड्स। ये गुडुची का प्लांट मेरे पास है, जो कि अमृता बेल्ली है। ये इसका प्लांट मैं अपने घर में रखी हुई हूँ फ्रेंड्स। तो ये उसी के पत्ते कुछ मैंने लिए हैं। मैं एक मर्तबा इस तरह से काढ़ा पाउडर्स का बना लेती हूँ, या तो इसमें इस तरह के ये लीव्स डालकर मैं इसको अच्छे से बॉईल कर भी काढ़ा बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए लूँगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। गुड़ीची अमृता बेल्ली हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो एकदम से आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक दे दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें भी आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर कोई अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखे और हेल्दी रहे। तो इसलिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर हिट कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी एक बहुत ही अच्छी DIY या तो रेसिपी भी कह सकते हो आप इसे, इम्यूनिटी बूस्ट वाली ड्रिंक की। तो फ्रेंड्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने घरों में सेफ्टी से रहिएगा और सारे ही प्रिकॉशंस को यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। और स्टे होम, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।